close till I get up. Time is barely on our side. Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. So अभी हम आ चुके हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो अपना केरला का टूर तो हो गया ख़त्म. पहले बेंगलोर का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो हमने रात को इंस्टेंट बनाया गोवा का प्लान बनाया और फिर फ्लाइट बुक की. तो अपनी फ्लाइट है 6 बजे की और अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं. तो अभी चलते हैं अंदर और मिलते हैं गोवा में. ये कुछ पूरा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में अपना. अभी अंदर आ चुके हैं और ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूली बना दिया और दिख रहा है एकदम से पूरा. चलते हैं चेक इन के लिए. तो अभी अपना चेक इन हो चुका है और लगेज में डाल दिया सामान. एक हैंड बैग था वो लगेज में डाल दिया क्योंकि स्पाइसेस ले जा सकते हैं यहाँ पे, इलायची काली मिर्च वगैरह तो तेज पत्ता था उसमें. यहाँ पे स्पाइसेस का बहुत है तो तेज पत्ते का एक लिया हुआ था तो उसकी वजह से हैंड बैग में डालना पड़ा और एक बैग हैंड में. तो अभी सब कुछ हो चुका है, सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं वेटिंग में. हम बैठते हैं, 6 बजे की फ्लाइट है तो अभी टाइम हो रहा है 4:15. 10 मिनट में पूरा हो गया अपना सब कुछ, 1.5 घंटा बाकी है अभी. तो अभी अपनी हो चुका है सब कुछ और फ्लाइट भी लग चुकी है. चलते हैं अंदर. अपनी सीट है यहाँ पे 8F ABC 8F ये सीट यहाँ पे 8F और अभी लगेज वगैरह लेते हैं और मिलते हैं आपसे बाहर. गोवा की सैर कराते हैं through the highways till my shadow turns to sun rays. So guys, हम घूम रहे हैं अभी गोवा की गलियों में
एयरपोर्ट से निकल के बाद में सीधा होटल पे आए और होटल पे सब सामान वगैरह रख के अभी बाहर निकल रहे हैं गोवा की सैर के लिए। कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। और ये सामने बीच क्वीन, दिन में यहाँ पे उतना कुछ ऐसे नहीं चलता है, रात को बीच वगैरह ये रेस्टोरेंट रात में चलते हैं, दिन में सब एकदम ऐसे खाली खाली लगता है पूरा। सामने पूरा बीच है, ये समुंदर। बीच बहुत है यहाँ पे गोवा में, 10-12 बीच है कुछ रास्ते में देखे हमने। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी है, स्पीड बोट भी है, और दिन में पूरा बहुत लगभग खाली है। शाम को 3-4 बजे से यहाँ पे पूरा भीड़ रहता है। हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही है और धूप भी उतनी नहीं है, क्लाइमेट एकदम बढ़िया है, बीच वाला है पूरा। पूरा बीच एरिया है यहाँ पे। तो अभी हम आ गए हैं गोवा के स्ट्रीट में घूम के ब्रेकफास्ट करने। ये हमारे होटल के सामने है, जैसे अच्छा है, पूरा नॉर्थ वाला है खाना। तो आलू परांठे वगैरह ऑर्डर किए हैं, अभी खाना आएगा, देखते हैं कैसा आता है। सो अभी ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं और ये पीछे अपना होटल जहाँ पे अभी स्टे कर रहे हैं, और ये वो ब्रेकफास्ट वाला, यहाँ पर सब कुछ इंडियन वगैरह का मिलता है। तो अभी ड्रेस भी चेंज कर लिए, पूरा बीच वाला सेटअप आगे जाके दिखाएंगे। ये चलते हैं बीच पे नहाने के लिए, कुछ राइड्स भी और भी देखेंगे एक्टिविटीज़ क्या क्या है। तो अभी यहाँ पे ये कुछ एक्टिविटीज़ वाला है, जैसे यहाँ पे बोट राइडिंग, स्कूबा डाइविंग और स्पीड बोट वाला सब कुछ बता रहे हैं, देखते हैं जंजी जमते हुए। पहला सेलिंग आएगा स्कूबा डाइविंग, बनाना राइड, स्पीड बोट, 10 की बम्पर राइड, पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा 8 o'clock मॉर्निंग पिकअप होगा इवनिंग। तो अभी हमने ये ले लिया है एक, जैसे इसमें 7 एक्टिविटीज़ है, बनाना राइड वगैरह, पर पर्सन इसमें 1500 रुपये, तो 3000 हो गए दो के। और सुबह 7 बजे से पिकअप है और शाम को 5 बजे तक है पूरा। और पीछे यहाँ पे टैटू शॉप तो बहुत है यहाँ पूरे गोवा में, जितने भी पूरी स्ट्रीट से आए हैं हम वहीं पे, हर गली में टैटू शॉप मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें बहुत बढ़िया एकदम मज़ेदार है, सी के 30 फीट अंदर जाएंगे वो स्कूबा डाइविंग में, पैराग्लाइडिंग भी ऐसे अच्छे, तो पूरा पैकेज बढ़िया है। कल सुबह 8 बजे अभी ऐसे इधर उधर थोड़ा घूम रहे हैं और वापस सीट पे जा रहे हैं। पानी का भाव यहाँ पे बहुत तेज है आज, हवा बहुत तेज चल रही है। और ये जो सामने ये बलून दिख रहा है, इस तरह से ये वो कल वाली एक्टिविटीज, 7 एक्टिविटीज आए, जैसे बोर्ड के पीछे बांध के और फिर वो चलाते हैं, तो वो पीछे से उठते रहते हैं। पूरा बहुत बड़ा है, वहाँ से लेके पूरा है, उस साइड बहुत ज़्यादा क्राउड है, पूरा बीच बीच है गोवा में, पूरा ये ज़्यादा बीच वाला ही है और कुछ नहीं है ऐसे। Hold me close.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. और ये हमने यहाँ पे किया है, ये मोजितो ने ये बर्थडे बनाया था महीने पहले, यहाँ पे आने से पहले, ट्रिप से पहले। लेमन और मिंट का होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये आ गया अपना मोजितो, टेस्ट में बहुत अच्छा है एकदम। ऐसे घर पे बनाया था वैसा ही सेम, घर पे भी बना सकते हैं। इसका 3-4 रेसिपी होता है, यूट्यूब पे देखा है बहुत मैंने, वो अपनी बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऐसे आप भी आए तो ट्राई करें मुझे तो कोई।